नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिजनौर थाना हलदौर क्षेत्र में बीती रात मुजफ्फरनगर की रहने वाली छात्रा के साथ तीन लोगों ने जबरन कार में बैठाकर बलात्कार किया और हलदौर चौराहे पर कार से धक्का देकर फरार हो गए। थाने पहुंची युवती को पुलिस अपने साथ घटनास्थल पर लाई और बारीकी से जांच की। पुलिस को मौके से युवती के मोबाइल की बैटरी और अन्य सामान मिला है। पुलिस फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। बिजनौर थाना हलदौर क्षेत्र के जीतपुर का रहने वाला संजीव अपने दोस्तों के साथ मुजफ्फरनगर की रहने वाली युवती को कार में जबरन बैठाकर एक सुनसान जगह ले गए और युवती के साथ इन तीनों लड़कों ने कार में जबरन रेप किया। ये तीनों लड़के युवती को कार से हलदौर चौराहे पर छोड़कर फरार हो गए। एसपी बिजनौर संजीव त्यागी ने बताया कि मुजफ्फरनगर की रहने वाली एक छात्रा के साथ तीन युवकों ने कार में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। साहब, ये तीन युवकों ने एक छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, क्या है पूरी घटना? थाना हलदौर में कल देर रात मुजफ्फरनगर निवासी एक लड़की ने FIR दर्ज करवाई है। उसका कहना है कि वो हरिद्वार में कोचिंग, एक इंस्टीट्यूट में कोचिंग करती है। मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाते हुए एक बस ड्राइवर से उसकी जान पहचान हो गई थी। उस ड्राइवर से फ़ोन पे कई दिन बात करने के बाद जब उसे भरोसा हो गया, ड्राइवर के नौकरी दिलाने के प्रलोभन में वो यहाँ बिजनौर चली आई। जब वो यहाँ आ गई तो कल दिन में उस ड्राइवर ने अपने साथ ले जाकर एक खेत में उसके साथ रेप किया और जब वो उसको अपने साथ ले गया था तो गाड़ी में उसके दोस्त भी मौजूद थे। इस संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीम दबिश दे रही है, उस ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश जारी। कप्तान साहब, ऐसा भी मामला सामने आया है कि पुलिस बहुत देर तक सीमा विवाद में उलझी रही। अब ये प्रकरण तो आपने अभी बताया है, इसको भी हम चेक करते हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।